बंगले जनपद के बंगाचक गांव में गुड्डू नामक युवक अपने पिता से बार बार गुहार लगा रहा है कि पिताजी मुझे रहने के लिए घर दे दीजिए, हम अब कहां जाएं। वहीं बेटे का कहना है कि माँ को आपने मारपीट के भगा दिया, लेकिन जुल्मी पिता राम ईश्वर का दिल नहीं पसीजा और पुत्र गुड्डू को अपनाने से इनकार कर दिया और वहीं दूसरी शादी कर लिया। हमारी मुख्य रूप से आज क्षेत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हम आंदोलनरत हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगों के संबंध में अब तक की कार्रवाई प्रेषित नहीं की गई है, जिसके कारण हम अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे मुख्यतः वेतन उच्चीकरण की है, जिसमें 2500 रुपया ग्रेड पे हमको चाहिए, हमारा वेतन हमारा भत्ता चाहिए। आज के परिवेश में हम फील्ड में घूमकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं, हमको फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जिसको नियत यात्रा भत्ता कहते हैं, 100 रुपया पर मंथ। 100 रुपया पर मंथ का मतलब 3 रुपया 33 पैसा हम पर डे जो है के हिसाब से हमको यात्रा भत्ता मिलता है, नियत यात्रा भत्ता मिलता है। तो हम सरकार से ये मांग किए हैं कि हमको आज के परिवेश में मोटरसाइकिल से हम चलते हैं, अपने पैसे वेतन से हम पेट्रोल भरा के सरकारी कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो हम सरकार से ये मांग किए हैं कि हमको पेट्रोल भत्ता दिया जाए, बाकी हमारा जो कॉडर रिव्यू किया जाए। हमारा प्रमोशन समय से नहीं हो रहा है, हमारे लेखपाल साथियों को पूरे सेवा के दौरान 3 प्रमोशन किसी विभाग में मिलता है, लेकिन राजस्व विभाग में 1 लेखपाल पद पे भर्ती होता है। और ये बड़ी विडम्बना और की बात है कि वो लेखपाल पद से ही जो है सेवानिवृत्त हो जाता है, जिससे लेखपालों के मन में कुंठा का भाव है। इसके लिए भी हम हड़ताल पे बैठे हैं कि समय पर हमारा प्रमोशन कर दिया जाए। जनपद में 17 लोगों को निलंबित किया गया है, 3 लोगों को बर्खास्त किया गया है, जिसमें हमारे तहसील से प्रदेश के महामंत्री जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं और जिला मंत्री मैं स्वयं। 404 लेखपालों के खिलाफ नो वर्क नो पे की कार्रवाई संपादित की है। धरना प्रदर्शन तब तक अनवरत चलता रहेगा जब तक शीर्ष उच्चाधिकारियों द्वारा, शासन में बैठे उच्चाधिकारियों द्वारा, हमारे लेखपाल संघ के प्रदेश कार्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री से सार्थक वार्ता नहीं संपादित हो जाती, तब तक ये अनवरत धरना चलता रहेगा। जब तक हमारे प्रदेश संस्था द्वारा हमको इस बाबत कोई निर्देश प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा।